व्यवस्था विवरण अध्याय छः। व्यवस्था विवरण अध्याय छः। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाया समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराए देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे, और यहोवा ने हमें यह सब विधियां पालने की आज्ञा दी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से
हमारे सबका भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा।